नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, गर्दा उड़ा करके वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। तो खेसारी भैया आज लाइव आए थे और लाइव में खेसारी लाल यादव जी ने क्या बोला नहीं बोला ये आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो। हमको ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा सफाई देने का जरूरत नहीं है। आपको बता दें, संघर्ष 2 फिल्म जो है वो लगेगा कि नहीं लगेगा उस समय पे सब पता चल जाएगा। संघर्ष 2 जो मूवी है कितना बड़ा सुपर डुपर हिट है कि कितना बड़ा फ्लॉप है, उस सब समय पर पता चल जाएगा। हर हर गंगे फिल्म सुपर डुपर हिट है कि फ्लॉप है, ये सब सब भैया समय पे पता चल जाएगा। तुम लोग जैसा कीचड़ के बोलने से फिल्म नहीं रिलीज होगा ऐसा नहीं है। तुम लोग जैसा बेशरम बोल देगा कि खेसारी लाल यादव का फिल्म नहीं बिका तो प्रोड्यूसर सब बुड़बक थोड़ू है जो खेसारी लाल यादव के फिल्म पे इतना इतना पैसा लगा दे रहा है। इतना बड़ा संघर्ष 2 फिल्म आया उसका भी मजाक उड़ा दिया। पवन सिंह का उतना बड़ा हर हर गंगे फिल्म आया उसका भी मजाक उड़ा दिया। यही बेशरम है, वो अच्छा है, यही एगो बेशरमा मुड़बतिया बोका सिंह अच्छा है। अपना मोबाइल में आगे कैमरा में बोल देगा ना ये फिल्म या हिट है तो हिट हो जाएगा। अब आकर के बोलेगा खेसारी का फिल्म फ्लॉप है तो फ्लॉप हो जाएगा। अरे बेशरम, तुम्हारा बोलने से हिट और फ्लॉप नहीं, वही जनता के हाथ में है। इसका काम है खाली आग लगाने वाला, समझे ना। ये लोग बोलेगा भोजपुरी में हम लोग अश्लीलता खत्म करते हैं और खुद अपना मौगी को जेनिया को छोड़ के रखेगा। अपना घर ही लोग नहीं देखता, दूसरा को देखता है ये लोग। अक्षरा सिंह का कौनो गाना आया तो देखिए, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के ऊपर गाना गा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ले लोग खुद मतलब एगो लेडीज का ये लोग इज्जत नहीं करता है। ये लोग भोजपुरी में अश्लीलता जरूर करेगा है? इतना बड़ा ये लोग बेशरम है। अभी जौनपुर महोत्सव ना कौन महोत्सव में हनी सिंह अक्षरा सिंह आया था। अक्षरा सिंह को ये लोग क्या बोल रहा कि अक्षरा सिंह गई तो लहंगा लखनऊआ गाने लगा तो पब्लिक लोग मार के भगा दिया। अरे बेशरम, तुम तो बोलता कि फैक्ट के साथ वीडियो बनाते हैं, छानबीन कर लेते हैं उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तुम्हारा तो मुंह पछवाड़ा एक हमको पते है, जब तुम छानबीन करवे करता है फैक्ट के साथ वीडियो बनेवे करता है तब 20 तारीख पेपरवा में वो निकला था, एडवा नहीं देखा कि संघर्ष 2 20 तारीख को लग रहा है, नहीं दिखा। अक्षरा सिंह को तुम जो बोल रहे हो कि अक्षरा सिंह वहां से लहंगा उठा के भाग गया, डिस कर दिया, डेट कर दिया, अक्षरा सिंह वहां जाके गाने लगा, लहंगा लखना हुआ, तुम जानता रहे पहले जाके डायरेक्ट अक्षरा सिंह स्टेज पे चढ़ी और लहंगा लखन हुआ गाने लगा। अक्षरा सिंह सबसे पहले स्टेज में चढ़ा, हिंदी गाना गाया, गणेश वंदना गाया, मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, ये हिंदी भजन गाया, गणेश वंदना गाया, देवी गीत गाया। तुम लोग बोलता जबरदस्ती कि अक्षरा सिंह ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मने के लोग जिसको चाहे तिसके ऊपर पिक्चर लोग पड़ जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं खेसारी भैया, कीचड़ लोग के फेरा में मत पड़िए। जितना कीचड़ में आप माने जितना कीचड़ में जाइएगा उतना कीचड़ आप पे पड़ेगा। ये जो लाइव आए, आपको लाइव नहीं आना था, आए ठीक है लाइव, अपने फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं, अपने जनता के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपको चर्चा नहीं करना था खेसारी भैया कि बोलता है कि फिल्म रिलीज नहीं, उसका औकात है कि फिल्म नहीं रिलीज होगा। उसका जीजा का किसका को फिल्म अभी शूटिंग हो रहा था अमरपाली काजल रंगवानी के साथ, इसके साथ उसके साथ, कहां फिल्म आया उसका? जीजा तो फिल्म नहीं आया उसका, जीजा के साथ तो ये पूरा न्यूज बना रहा था, डिश डट कर रहा था, जीजा वाला फिल्म आया उसका नहीं ना आया खेसारी भैया। तो कीचड़ में आप लोग लात मत रखिए, रिक्वेस्ट है आपसे। अक्षरा सिंह को ये लोग कचरा सिंह बोल देगा, अक्षरा सिंह को लोग जबरदस्ती बदनाम करेगा, कोई अक्षरा सिंह गाना ला देगा, ये लोग कामे आई है। ये अपना बाप को भी आज के डेट में भूल गया है। खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपका क्या राय है खेसारी भैया? और जितने भी खेसारी लाल के फैंस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और खेसारी लाल जी को समझाइए कि कीचड़ में लात नहीं रखने का, नहीं तो कीचड़ आप ही के ऊपर पड़ेगा खेसारी भैया। ये लोग कीचड़ के साथ साथ लीचड़ भी है, समझे ना। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था भैया कि खेसारी लाल यादव जब मन तब लाइव आ करके उन मुड़बत्तियों को मैंने अब कुछ भी अब किसके बारे में बोले ना बोले, उन मुड़बत्ती बोलेगा हमारे ऊपर खेसारी लाल यादव बोले। तो आइए अपना फिल्म का प्रमोशन कीजिए, कौन क्या बोला नहीं बोला उस बात को खेसारी भैया आप लाइव में मत बोलिए। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। खैर अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी फिर मिलते हैं बिहने।
धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।